हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ललित देवांगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज मैं पहुंच चुका हूं मोहंदीपाठ गांव में और आज है मेला है। हर साल दिवाली के बाद जो पहला रविवार आता है तो यहां पे मेला का आयोजन होता है और पहले से भी मुझे पता था लेकिन आना कभी नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज आना हुआ तो आज आप लोगों को जो है मैं दिखलाने वाला हूँ। अभी टाइम की अगर बात किया जाए तो शाम के 4 बज चुके हैं और ये जो मोहंदीपाठ पड़ता है दुर्ग जिला में पड़ता है। अगर आप दुर्ग से अगर आप आते हैं ना तो आपको लगभग 20 से 25 किलोमीटर पड़ेगा। निकुम जो गांव है ना उसके जस्ट आगे ही में है, लगभग लगभग वहां से 4 से 5 किलोमीटर। अभी हम लोग है बाइक पार्किंग में, तो चलिए अभी चलते हैं और आप लोगों को जो है मेला आज दिखलाते हैं। तो ये है पार्किंग एरिया भाई मोहंदीपाठ का, और मोहंदीपाठ का गाँव जो है बोर्ड वहाँ पर मैंशन किया गया है, और आगे जो है निकुम गांव है। निकुम के जस्ट पहले ना खुड़सुल गांव है, खुड़सुल गांव से बस लगा हुआ है और ये देखिए यहां से स्टार्ट हो गया है। अभी तो पूरा जो है मेला बचा हुआ है, अभी स्टार्टिंग में हम लोग पहुंचे। रोड के किनारे पे देखो सब स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को जो है दिखलाते हैं। आस पास के लोग तो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं भाई, यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर हम पहुँचे हुए और आज आप लोगों को जो है दिखलाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेला होता है ना एक ही दिन का मेला होता है, अगर आप लोग आना चाहते हैं ना तो अगले साल बिल्कुल आप पहुंच सकते हैं। और ये देखो यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन भी किया गया है ग्राम मोहंदीपाठ। चलिए भाई ये देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं भाई पुलिस वाले लोग, ये देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो ही गया भाई, कपड़े लगते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे पर्दे कपड़े देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे मोबाइल के जो है कवर आपको, ये देखिए बच्चों के खिलौने हैं, और देखिए सामने में घर सजावट के लिए, ये देखिए मस्त सुंदर सुंदर यहाँ पे घर सजावट के लिए आप रख सकते हैं। ये देखो मस्त सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल वगैरह भी है, और ये पूरे फाइबर के हैं, और इधर बच्चों के लिए हैं। ये देखो लड़कियों लोग के लिए कुछ कुछ सामाने भी है, लगता है ये क्या है भाई, दुपट्टा है लगता है, और यहाँ पे है चप्पल ये देखिए, और इस तरफ जो है गर्ल्स के ही चप्पल है ये देखो, और खाने पीने के लिए चीज़ें ना इस साइड में है। इधर भी देखिए मोबाइल कवर है, लिखा हुआ है डूंडून मोबाइल एसेसरीज करके लिखा हुआ है। और ये देखिए भाई जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं भीड़ जो है ना बढ़ते ही जा रहा है, और मंदिर भी है, मंदिर भगवान जी का आप लोगों को जो है साथ साथ दर्शन भी कराएंगे। और ये देखो गर्ल्स के लिए यहाँ पे देखो बैग वगैरह मिल जा रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं खरीद सकते हैं। ये देखो ये देखिए ठंडी जैकेट यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये सब पैंट वगैरह भाई यहाँ पे। वो देखो क्या बोल रहा है भाई, 500 रुपये में दो लेके चाहिए बोल रहा है कपड़ा ही है। यहाँ पे बांडे शर्ट भी है 300 रुपये बोल रहा है। अभी ठंड का सीजन आ गया है, जैकेट वगैरह लेना है तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे तरह तरह के ये देखो खाने के जो चीज़ें हैं, ये है सिंघाड़ा बोलते हैं उसको, ये सामने में है बच्चों के लिए देखो गुब्बारा, और ये क्या है, अच्छा ये ठंडी वाले हैं कवर है, आप लोग जैसे कि ब्लैंकेट बोल सकते हो ये है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग झूला वाले सेक्शन की तरफ जाएंगे, भाई लोग जो है बोल रहे हैं यहाँ पे, और ये तरफ देख सकते हैं पूरा भीड़ जो है चालू हो गया भाई इस तरफ, और इस तरफ भी लगा हुआ है पूरा मोहंदीपाठ गाँव में जो है लगता है। और ये देखिए इस तरफ झूला है, कितना सारा झूला है, अरे वाह, ये वहाँ पे भी मस्त जो है मौत का कुआं भी आया हुआ है सामने में, जहाँ पे आप लोगों को झंडा नज़र आ रहा होगा वही है मौत का कुआं। इधर भी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा, इस तरफ भी देख सकते हैं, और इस तरफ भी ये देखिए, और इस साइड के एरिया में भी है यहाँ पे। और भाई लोग जो बोल रहे हैं अपन इस साइड अपन चलेंगे और आप लोगों को जो है दिखलाएँगे भाई मेला। आप लोग आना चाहते तो अगले साल आप आ सकते, इस साल तो जो पहुंच चुके हैं वो पहुंच चुके हैं, बाकी जो लोग नहीं आए हैं वो आप लोग याद रखेगा हर साल दिवाली के बाद जो पहला रविवार आता है ना उसमें जो है मेला लगता है। यहाँ पे देखिए भाई एक से घड़ी भी है, साथ में चश्मा भी है, ये देखो मस्त सुंदर सुंदर यहाँ पे है। और इस तरफ है झूला वाला एरिया, अपन आगे बढ़ेंगे, और आसपास में देखिए पूरे घर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हंसी ब्यूटी पार्लर एंड लेडीज़ टेलर करके लिखा हुआ है। ये देखिए मस्त दो सजावट के लिए यहाँ पे मस्त सुंदर सुंदर जो चीज़ें है, ये देखिए झूमर वगैरह भी है यहाँ पे, सब लोग जो है देख रहे हैं भाई एक से एक बढ़कर यहाँ पे देखिए झूमर मस्त, ये देखिए
तो ये सब चीज़ ले रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है भगवान के जो मूर्ति है वो भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे मस्त शिवलिंग भगवान, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखो सब लोग जो है देख रहे हैं यहाँ पर। और ये जो मेला है भाई बहुत बड़े एरिया में लगा हुआ है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। यहाँ पे देखो मस्त है, एक नंबर यार यहाँ पे। ये देखो मस्त सुंदर सुंदर यहाँ पे आप लोगों को जो है दिखला रहा हूँ। ये देखो मस्त आप लोग देख सकते हैं। चलिए और इस तरफ है भाई चाट गुपचुप का पूरा सेंटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये है आइसक्रीम सेंटर, ये देखिए सेंटर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साहू चाट सेंटर करके लिखा हुआ है यहाँ पे। सूर्यनारायण और जैसे कि राजिम का मेला होता है वैसा ही होता है, बस वहाँ का जो एरिया है काफ़ी बड़े एरिया में, और वहाँ से जस्ट यहाँ का एरिया जो है छोटे एरिया में है। बाकी ये भी बहुत बड़े एरिया में है ऐसा अगर कहेंगे तो। यहाँ पे आसपास के जो गांव वाले लोग हैं सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि दिवाली के बाद ही हो रहा है। और ये मेरे हिसाब से पहला मेला है, और इसके पहले भी होता है शुक्रवार को धमदरी में वहाँ पर माँ अंगारमती में, लेकिन इस बार चुनाव होने की वजह से जो है कैंसिल कर दिया गया था। ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, ये देखिए यहाँ पे नारियल लोग रखे हैं शायद। और यहाँ पे सामने में है मंदिर, तो मंदिर के आसपास में देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। कौन सा मंदिर है उसको आप लोगों को जो है दिखलाते हैं भाई। देखिए खचाखच यहाँ पे भीड़ भाड़ जो है, और आसपास में जो है नारियल बेचे जा रहा है, तो आप लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अगर नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप आएंगे तो। बाकी मेला तो एक साल में एक बार होता ही है, बाकी मंदिर वंदिर में अगर आप दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान जी का तो आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए सामने में एक हवाई झूला लगा झूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो सामने में, ये देखिए, और बाकी कुछ झूला जो है पीछे में लगा हुआ है। ये देखो पूरा नारियल वगैरह यहाँ पे है। तो मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे सामने में है घोड़े हैं। ये देखो और मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, और मंदिर के आसपास में देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगे हुए हैं, सब दर्शन करने के लिए भी आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मेला भी देखने को मिल रहा है भाई। जूता निकालते हैं फिर अपन अंदर चलेंगे। यहाँ पे देखिए मस्त सामने में है शिवलिंग, यहाँ पे पुलिस वाले लोग भी खड़े हुए हैं। तो मंदिर के अंदर अपन चलते हैं, सबसे पहले अपन जूता निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए आप अपन अंदर चलते हैं भाई, निकलाते हैं। ये देखो तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और ये सामने हमें, और इसे कहा जाता है भाई मौनी पाट, बाबा धाम के नाम से जगह को जानते हैं। और मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हुआ है। देखो बड़े बड़े जो है घंटी लगे हुए हैं यहाँ पे, देखो बाज वगैरह भी बज रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर मूर्ति यहाँ पे, सब मनाए भी खड़ी हुए हैं, और यहाँ पे मस्त सुंदर सा ये देखिए। चलिए अपन चलते हैं मंदिर के अंदर, मतलब यहाँ पे भगवान जी का अपन दर्शन करते हैं। और यहाँ पे सब लाइन लगा के रखे हुए हैं। ये है मोनी पाट बाबा जी नाम से, और अपने नाम से जानते ही होंगे, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बाकी आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे है सामने में भगवान